आगे ध्यान दीजिए, अपना ट्रेंड सिर्फ दो प्रकार का होता है, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। दिख रहे हैं, मूर्त दूसरा अमूर्त। तो पहले इसको समझिए, इसको ये क्या होता है। हम बोले नन करंट एसेट भी दो तरह का होता है, एक टैंजिबल, बोला ना यहाँ पे टैंजिबल, देखे ना यहाँ पे टैंजिबल है, यहाँ पे बोलता है इनटैंजिबल। हिंदी में बोलते हैं मूर्त और अमूर्त, ठीक है। अब देखिए मूर्त अमूर्त का मतलब क्या होता है। टैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बोलता है टैंजिबल। और जिसको हम ना देख ही भी नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल, मतलब अमूर्त। और फिर बोले यहाँ पे जितना एग्जाम्पल दिए सब क्या था, सब टैंजिबल था। अब देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल एसिड से समझते थे, ज्यादा ज्यादा समझने लगे। ई भी दो तरह का होता है, फिर वो भी दो तरह का होता है, देख रहे हैं। यही पढ़ाई है कि हम लोग किसी चीज के बारे में ज्यादा जानेंगे। तो सबसे पहला बात, अभी ऐसा नहीं कि डर जाइए, संपत्ति क्या होता समझ गए आप। संपत्ति कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा। एकदम सही। अब नॉन करंट एसेट्स हम समझाते हैं क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को नॉन करंट एसेट, जो 12 महीना ज्यादा चलता है। अभी बोला ये भी दो तरह का होता है, तो कौन दो तरह, कौन कौन सा होता है, टैंजिबल इनटैंजिबल। डरना नहीं है, देख देख के बोलिए, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एकदम इजी लगने लगेगा। टैंजिबल इनटैंजिबल, तो हम टैंजिबल क्या समझाए, हम टैंजिबल क्या होता है, देख सकते हैं छू सकते हैं, और इनटैंजिबल देख नहीं सकते छू नहीं सकते। वो नया सीखेंगे आज। अब टैंजिबल का एग्जाम्पल तो बहुत दे दिए हम आपको, सब टैंजिबल था। इनटैंजिबल क्या होता है, इन्हीं समझ पाइएगा। चलिए अब समझिए जो कैसे करते हैं, नया एग्जाम्पल। तो टैंजिबल का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जमीन जैसे बताया, जमीन, बिल्डिंग, लैपटॉप, कैमरा, सब सब टैंजिबल है, देख सकते हैं छू सकते हैं, लैपटॉप को छू रहे हैं, पेन को छू रहे हैं, माउस को छू रहे हैं। चलिए तो इनटैंजिबल, आप एग्जाम्पल कोशिश कीजिए। इनटैंजिबल से ऐसा यहाँ पर जो कुछ है और हम देख नहीं सकते, और वो संपत्ति है, हवा, लेकिन हवा बेच सकते हैं, तो कंडीशन फेल हो गया। हम क्या बोले, तो संपत्ति तभी है जब उसका वैल्यू होता है। इस एग्जाम्पल से बच्चे देते हैं, हवा को आप बेच सकते हैं 2 रुपए में किसी को, जो डॉक्टर के पास ऑक्सीजन रखा हुआ वो एसेट्स है उसका, वो बेच सकता है। आप इस हवा के तो पूरा सब जगह फ्री में मिल रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है, हम जिंदा रहने के लिए वैल्यू है, लेकिन मनी के रूप में इसको बेच सकते हैं आप कि लीजिए सर इतना एक प्लास्टिक में दिया, सर लीजिए। आप समझ रहे हैं, आप 5 रुपया का हवा सांस लीजिए, कैसा होगा, फ्री में अवेलेबल है। आप समझ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल में नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू नहीं दिया। अब बताते हैं क्या, अभी ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आपको समझ में आएगा, कंप्यूटर क्या है, टैंजिबल, लेकिन टैंजिबल है, टैंजिबल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है दिखता है नहीं। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब इस पे सब कुछ अप्लाई करके देखिए, अभी जो ऐसा नहीं मतलब बोल रहे हैं, ये जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप देखिए, वो लैपटॉप जो है वो 30,000 का है, और ये लैपटॉप 75,000 का है, वो i3 है या i7 है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, देख के कोई दिख रहा है, देखने में देख, तो हम जो देख रहे हैं आप क्या देख देख पा रहे हैं, आप अच्छे से समझिएगा, जो देख पा रहे हो क्या देख रहे हैं, लैपटॉप को देख रहे हैं, कंप्यूटर को देख रहे हैं आप, जो कि टेंजिबल है। कंप्यूटर एग्जाम्पल बोलेंगे तो कंप्यूटर में जो एग्जाम्पल एसेट से कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो किस तरह एग्जाम्पल है, टेंजिबल है, कंप्यूटर यहाँ आएगा। लेकिन इसके अंदर जो i3 प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर i3 लगा हुआ है, इसके अंदर i7 लगा हुआ है, ये क्या है, तो दिख रहा है आपको, देखिए तो कहीं से देख के, जब तक हम बताएंगे नहीं उसके लिए जबरदस्ती स्टिकर लगाना पड़ा, i7 लिखा हुआ, i3 लिखा हुआ है, वो सब हम समझ पा रहे हैं, अंदर में दिख नहीं रहा है कुछ भी। जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आपको, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सब जो दिख रहा है, सब सब क्या यूज हो रहा है, अंदर में दिख रहा है कुछ भी, देख सकते हैं इसको आप, नहीं देख सकते। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है इसका एग्जाम्पल है। अब इस पर अप्लाई करके देखिए सारी संपत्ति कैसे हुआ। तो सिंपल बात है, इसमें जब हम i3 लिए या इसमें हम कोई भी सॉफ्टवेयर डलवाएंगे तो पैसा लगेगा उसका, लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं उसको नहीं, खाली बस फील कर पा रहे हैं कि है, और बेचेंगे तो बिक भी जाएगा, उसको बेचेंगे 30,000 में बिकेगा, इसको बेचेंगे 70,000 में बिकेगा, तो 40,000 का अंतर आया। 40,000 किस लिए अंतर आ रहा है, i7, इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ जो दिख नहीं रहा है। अब आपके लिए सिंपल एग्जांपल, बच्चे लोगों के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बताते हैं, आप लोग को समझ में आएगा, एकदम रिलैक्स पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझे, कोरोना वाले की टेंशन दे रहा है, नहीं अभी हम लोग भी टेंशन लेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब, एक देखिएगा ऐसा, ये क्या है बताइएगा, तो ऐसे कुछ रहता है, कभी देखे हैं मेमोरी कार्ड,
देखे ना मेमोरी कार्ड। अच्छा तो 1 GB का इतना बड़ा रहता है, तो 8 GB का इतना बड़ा रहता होगा? नहीं, कैसा रहता है? दोनों सेम साइज का रहता है, ऐसे ही सेम साइज रहता है ना, सेम साइज रहता है। कहने का मतलब ये 1 GB का है और ये 28 GB का रहता है ना, ऐसा देखे है कि नहीं? देखे है? उसके पीछे में लिखा रहता है 1 GB और 28 GB। अगर नहीं लिखा रहेगा तो उल्टा करके दिखाएंगे, दोनों एक जैसा दिखेगा। तो जो ये जो आप जो देख रहे हैं ये एसेट्स है आपका, ये जो आपका जो बोल रहे हैं मेमोरी कार्ड है, ये आपका एसेट्स है पक्का, मेमोरी कार्ड आपका एसेट्स है। लेकिन इसको खरीदने जाइएगा तो ये आपको 200 में मिलेगा, और ये कितना मिलेगा? हो सकता है 28 GB का रेट 1000 रुपया हो पक्का, देखने में सेम है लेकिन देख रहे हैं इसका रेट ज्यादा लग रहा है। तो क्या आप जो जीबी है, ये 1 GB है, इसमें 27 GB एक्स्ट्रा अंदर है पावर है, देख पाइएगा अगर ऊपर से स्टिकर मिटा दे तो? लेकिन वैल्यू है, देखिए लोग इसका 200 रुपया दे रहा है, इसका 1000 रुपया देने के लिए तैयार है। 800 रुपया वैल्यू है किस चीज का है? उसके पावर का है। तो हम बोल सकते हैं जो मेमोरी कार्ड का जो पावर है वही हमारा इंटेंजिबल है, तो वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये चीज फील की, टेंजिबल इंटेंजिबल में क्या होता है? तो टेंजिबल एसेट जिसको हम देख सकते हैं, लैपटॉप देख रहे हैं मैं टेंजिबल एसेट से, लेकिन इसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम देख नहीं सकते, ये क्या है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। बेच लेकिन बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? मेमोरी कार्ड को हम बेच रहे हैं ना 1000 में, इसको हम 70,000 बेच रहे हैं ना, तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब समझ में आ गया? अब चले आगे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। तो देखिए मूर्त संपत्ति, टेंजिबल मूर्त संपत्तियां वही संपत्तियां हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस। देख रहे हैं छू रहे हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब हम टच कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक अस्तित्व। जैसे हम लोगों का भौतिक अस्तित्व है लेकिन भगवान का या आप लोग अल्लाह लोग का भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब कभी देखे हैं लेकिन है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कि भौतिक अस्तित्व, मतलब वो वर्तमान में मौजूद है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, लेकिन हम लोग के भगवान है उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, मतलब कैसे निरंकार है, मतलब उनका कोई आकार ही नहीं है लेकिन है, आप समझ रहे हैं? तो बोलता है मूर्त संपत्ति वो संपत्ति है जिनको देख सकते हैं छू सकते हैं और जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, क्लियर है? जैसे भूमि, भवन, मसन, मशीन, संयंत्र, उपकरण, समझ रहे हैं आप? इसको भी बोलता है जिसको फर्नीचर बोलते हैं, क्लियर है? अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्तियां वही संपत्तियां हैं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस, मतलब वो मौजूद नहीं है। भौतिक अस्तित्व का मतलब मौजूद, प्रेजेंट जिसको बोलते हैं, मौजूद नहीं है किंतु मौद्रिक मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य का मतलब क्या? पैसे के रूप में उसका वैल्यू होता है, हम देख नहीं रहे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा है लेकिन उसका वैल्यू है, बेच सकते हैं, पूरा एसेट्स का पूरा लक्षण है, खाली देख नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए बोला है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि। तो हम आपको सबसे एग्जाम्पल किसको समझाएं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा एग्जाम्पल था जो फील हुआ। अब ये सब क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सबको समझ लीजिए। एग्जाम्पल में ही दिए थे ना, गुडविल पूरा चैप्टर है, बताइए एग्जाम्पल में देखे थे ना आप, क्या पढ़ते थे उसमें? गुडविल। अब बताइए कि यहाँ एग्जाम्पल में गुडविल दिया हुआ है, इसको कितना समझाएं, उसका पूरा चैप्टर है और यहाँ एग्जाम्पल मिलता है गुडविल, वहां पे देखे ना व्हाट इज गुडविल, गुडविल में चैप्टर चैप्टर है पूरा, यहाँ एग्जाम्पल में गुडविल क्या समझ में आएगा? गुडविल, लेकिन फिर भी हल्का समझा दे रहे हैं, सोच लीजिए इसमें चैप्टर ही है पूरा 12th में, यहाँ एक एग्जाम्पल में। अब गुडविल मेरा एसेट्स है कैसे? अभी आप यहाँ पे आए हैं तो कैसे आए? एक सीए गुरुकुल के नाम पे आए हैं, अभी सीए गुरुकुल आप नहीं सुने होते तो आपको ट्रस्ट नहीं होता, सबसे पहला बात। आप इतना दूर से भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, किस लिए आए हो, क्या कारण है उसका? गुडविल है, किस लिए आए? क्योंकि मार्केट में गुडविल है। अभी आप किसको जान रहे, सीए गुरुकुल जान रहे थे, कुंदन सर को नहीं जान रहे थे? अगर हम सीए गुरुकुल किसी को बेच दे, सपोज कीजिए औसत बैठे हैं, हम उनको बेच दे, बिकेगा? लेकिन सीए गुरुकुल आप संभालिए, मुंबई जा रहे हैं, बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? इसका मतलब एसेट सही है, हम अपने नाम को जो सीए गुरुकुल हम गुडविल उसको बेच सकते हैं। अभी आप श्रीमान श्रीमती को जान रहे हैं, बहुत फेमस है, उसके मालिक को नहीं जान रहे हैं, उसका एक गुडविल है, अगर हमको वो बेचेगा तो हम खरीद लेंगे, उसका नाम खरीद लेंगे, गलत की सही, क्योंकि उसके नाम पे कस्टमर आएंगे, तो इसको बुलाया जाता है गुडविल। तो देखिए एसेट्स का लक्षण है, एसेट्स में क्या क्या लक्षण बताए थे? गुडविल को देखिए एसेट्स का लक्षण है कैसे, इसका वैल्यू, गुडविल का वैल्यू है बहुत बड़ा वैल्यू है, उसी से कस्टमर आता है, मनी के रूप में वैल्यू कर सकते हैं बिल्कुल, श्रीमान श्रीमती से खरीदे जाएंगे, बोलेगा हम ठीक गुडविल बेचेंगे 1 करोड़ में, खाली नाम का 1 करोड़ रुपया लेगा, गलत की सही? अब फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देगा फ्री में दे देगा कि मेरा ले लीजिए, हम सीए ग्रुप किसी को नाम यूज करने देंगे? नहीं देंगे ना, बोलेंगे ठीक है हम सीए ग्रुप बोल दिए, हमको दीजिए 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको मेरा नाम यूज कीजिए, गुडविल है।
अब इसका बिजनेस में यूज हो रहा है, गुडविल का तो यूज हो रहा है, पूरा बोर्ड सीए गुरुकुल के नाम पे ही आ पाए हैं, इससे हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है कहीं ना कहीं। कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ प्रॉफिट अर्न करने में, ये सब तो बाद में काम आया। ये जो आप एसी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, तो बाद में काम आया। सबसे पहले आप यहाँ तक आए कैसे, आप गुडविल के थ्रू आए। गुडविल हिंदी में बोलते ख्याति, नहीं नाम जानते तब ना आए। अभी बहुत लोग पढ़ा रहा होगा गली कुची में, आप जा पाइएगा, आपको जानते भी नहीं उसके बारे में, तो सर गुडविल ही नहीं है। क्लियर? तो देखिए इसका यूज हो रहा है और ये इसको हम हमेशा यूज करेंगे फ्यूचर में। ये गुडविल हमारा सालों साल चलता चलेगा। और इस पे किसका मालिकाना है, इस पे मेरा मालिकाना हक है। इसका मतलब गुडविल में सारे लक्षण है, तो गुडविल हमारा क्या हो गया, गुडविल हमारा एसेट्स है पक्का। लेकिन इसको देख सकते हैं, दिख रहा है, इसको टच कर सकते हैं नहीं, इसका मतलब किस तरह का एसेट है ये, इनटैंजिबल। समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, बहुत स्लो लग रहा होगा। सबसे पहला बात स्लो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मोटरसाइकिल भी सीखते हैं तो पहला दिन खाली स्टार्ट करके खुश हो जाते हैं, आगे कहाँ बढ़ता है, फिर वो अपने आप दौड़ने सीखते हैं। बच्चा भी खड़ा होता सीखता है पहले, पहला क्लास है ना कॉमर्स के बारे में, एक्चुअली पहला फ्रेंडली हो जाइए कि हम समझ सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो चलेंगे धीरे चलेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम समझ सकते हैं। अभी बहुत लोग जो सक्सेस नहीं करता, क्यों नहीं करता, फास्ट फास्ट बहुत पढ़ लेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, कम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर धीरे धीरे ना फ्रेंडली हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद फास्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, बच्चा खड़ा होने में और चलने में टाइम लेता है, दौड़ने में टाइम नहीं लेता है। और दूसरी बात, कभी भी कोई गार्जियन बच्चा को खड़ा होना सिखाया है, चलना सिखाया है, दौड़ना कोई नहीं सिखाया, याद कीजिए, दौड़ना बच्चा खुद से सीखा है, सिचुएशन हालात आपको सिखा देगा, गलत की सही। बोलना सिखाया, फास्ट बोलना कौन सिखाया, आपका हालात, कोई बमका दिया फास्ट बोलने लगे, नहीं ऐसे ही होता है ना, गलत की सही, क्या सब गलत की सही बोल रहे हैं, तो कोई कोई सिखाया नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप कॉमर्स हम धीरे धीरे सिखा देंगे और फिर फास्ट में खुद सीख जाइएगा आप, लेकिन अभी हम फास्ट करेंगे तो आप फिका जाइएगा, ठीक है। चलिए, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा टर्म्स है, खाली इतना समझ लीजिए, आप जब कोई चीज लेते हैं, आप इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, आर लिखा हुआ है, ऑर्पिट लिखा हुआ है, आर रजिस्टर्ड है, इसका ट्रेडमार्क है ऑर्पिट, सैमसंग, नोकिया, ये सब क्या ब्रांड वैल्यू है, इसको ब्रांड बोलते हैं, तो ये सबका नाम बिकता है। अभी अभी सब कुछ कीजिए कि एग्जाम्पल लीजिए कि अभी जैसे चाइना बंद कर दिया है, चाइनीज कंपनी रहेगा तो ये मोबाइल, मान लीजिए मोबाइल नहीं है एक्चुअली, सपोज कीजिए कि मोबाइल दीजिए, बताते हैं एग्जाम्पल समझ लीजिए। अभी सपोज कीजिए ये मोबाइल है, ये कितने का मोबाइल आप नहीं बोल सकते इसको, इसके पीछे में अगर हम चाइनीज है चाइना में नाम लिख देंगे तो आप 1,000 रुपये देने में भी डरेंगे, गलत की सही। लेकिन सैमसंग लिख देंगे तो आप 8,000-10,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, नोकिया लिख देंगे तो आप इसका 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, एप्पल लिख देंगे तो लाख रुपया, गलत की सही। ये सब क्या है, इसका ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क है, जो कि दिख नहीं रहा लोगों को लेकिन उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस पे चाइनीज नाम आ गया तो 1,000 रुपया और एप्पल नाम आ गया तो लाख रुपया, ठीक है ना। एप्पल का वैल्यू है क्या, उसका क्या नाम, तो ब्रांड का वैल्यू, उसी को बोला जाता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब मोटा मोटी आप समझ गए सब क्या है, एक ब्रांड का वैल्यू है। तो एप्पल नाम सुने ना, जितना कितना इसका लाख रुपया होता है। मोबाइल में कोई हाथ दे, हाथ में कोई मोबाइल देख लेता है तो बोलता है मतलब ये बहुत बड़ा आदमी है, लाख रुपये का सेट है। चाइनीज सेट देखता है तो बोलता है नॉर्मल आदमी है, मतलब नॉर्मल कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं गरीब है, मतलब नॉर्मल आदमी है, सब तो एप्पल लगता नहीं है। तो एप्पल जो लग गया उसमें खाली ऐसे करके लग जाता है एप्पल, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, लाख रुपया। अभी मान लो नॉर्मल शर्ट है, नॉर्मल शर्ट 300-400 रुपया का, लेकिन यहाँ पर टॉमी हिल फिगर छोटा सा खाली से लगा देगा लोगों, इसी शर्ट में लगा देगा, इस शर्ट का वैल्यू 2,000 रुपया हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे बड़े लोग पहनते हैं तो उसका लोगो रहता है, खाली लोगो लगाता है, वो लोगो का कितना ले लेता है, वो लोग 1,000 रुपया। तो ये सब देखिए दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन खाली वो कहीं पर लग जा रहा है तो उसको वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब पूरा एसेट्स की तरह है लेकिन दिख नहीं रहा है। चलिए, तो ज्यादा हो जाएगा, हम करंट एसेट खत्म कर देंगे आज, थोड़ा सा है लेकिन छोड़ देते हैं आज, पहला दिन गलत नहीं कि ज्यादा हो जाएगा, करंट खत्म ही कर दे, एसेट्स खत्म ही हो जाएगा आज, पढ़ाई देते हैं खत्म हो जाएगा। चलिए, तो रिविजन भी करवा देंगे एक बार। अब देखिए करंट एसेट्स, चलिए इस पर रिविजन कर लीजिए आप। चलिए आज क्या क्या पढ़ाया, सबसे पहला हम वो क्या पढ़ाया आपको, हम एसेट्स, संपत्ति आप पढ़ लीजिएगा, इसको संपत्ति बोलते हैं, ठीक है। एसेट्स सबसे पहला क्या बताया, एसेट्स कब कहलाएगा, जब इसका वैल्यू होगा। इस चीज में वैल्यू, वैल्यू बहुत तरह का होता है, हम किस तरह का वैल्यू का बात कर रहे हैं, मनी के रूप में, ठीक है। दूसरी बात, ये एसेट्स कहला, वैल्यू होगा तो एसेट तो कहलाएगा, लेकिन कहाँ होना चाहिए उसको, बिजनेस में, नहीं कहाँ होना चाहिए, बिजनेस में, और बिजनेस में उसका क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए पक्का, और यूज यूज करके हम उसे क्या कमाएंगे, बेनिफिट, प्रॉफिट अर्न करेंगे, करेंगे ना प्रॉफिट अर्न, क्यों यूज करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए,
और इसका यूज जो हम करेंगे फ्यूचर में करेंगे, मतलब भविष्य में करते चले जाएंगे, ठीक है। तो एसेट्स कहलाएगा। एसेट्स कहलाने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहला हम टॉपिक पढ़े, क्लियर। उसके बाद हम क्या पढ़े, एसेट्स कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन कौन बताए थे, याद नहीं आएगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा, हम समझ सकते हैं। पहला और था ना नॉन करंट एसेट्स, डरिएगा मत, वो नॉर्मल चीज है, इन्हें क्या समझे, पहला बार है ना, दिक्कत हो जाएगा। और दूसरा क्या था, करंट एसेट्स। हम सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या दिया, नॉन करंट एसेट क्या बताए थे, मोर देन 12 मंथ्स, ऐसा एसेट जो 1 साल से ज्यादा चलता है, और ऐसा एसेट जो 1 साल से कम चलता है। वहां पे 12 मंथ यूज नहीं किया है, आगे जाके यूज करता है, जिसको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। 12 मंथ से ज्यादा को यहाँ पर क्या यूज किया गया है, दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म यूज किया गया है। ऐसा एसेट जो लॉन्ग टर्म तक चलता है नॉन करंट एसेट कहलाता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए चलता है उसको हम लोग करंट। ये पढ़ाए नहीं है आपको ये वाला, ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, क्लियर है। चलिए, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, 12 महीना से ज्यादा। तो नॉन करंट एसेट क्या है, ऐसा एसेट जो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, 12 महीना से ज्यादा, क्लियर है। उसके बाद हम क्या बताएं, ये भी दो तरह का होता है, कौन कौन, टैंजिबल, डरिए मत, कोई बड़ा बात नहीं, और दूसरा इनटैंजिबल। नहीं, ये नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब बता दीजिएगा टैंजिबल क्या होता है। टैंजिबल ये आपको पता होगा, हमको पता है, टैंजिबल क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। नहीं, इनटैंजिबल जिसको नहीं देख सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, और जिसका इसमें, इसको फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। हम लोग क्या बताए थे इसको, हम फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब मौजूद होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चलिए सबका एग्जाम्पल दीजिए आप, एक एक एसेट्स का एग्जाम्पल में क्या क्या बताए थे, दो एग्जाम्पल कोई भी दीजिए, एसेट्स का कोई एग्जाम्पल ही तो हम एसेट्स का बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल दीजिए दो। हाँ बोलिए, डरिए मत, आप समझ रहे हैं, आप सही एग्जाम्पल देख रहे हैं, आप लैपटॉप देख रहे हैं ना, हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं, लैपटॉप, दूसरा माउस, ठीक है, सही है, लैपटॉप माउस एसेट्स है। चलिए अब इसमें आप नॉन करंट एसेट्स का एग्जाम्पल दीजिए, यही दोनों आ जाएगा, कैमरा, कैमरा, यही आ जाएगा एक्चुअली। चलिए कैमरा, अच्छा एग्जाम्पल दिए, कैमरा, दूसरा लाइट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सिखाए नहीं आपको हम, तभी सिखाए नहीं ना है अभी, इसके लिए इसका जरूरत नहीं है। अब इसमें टैंजिबल का एग्जाम्पल दिए, टैंजिबल एसेट्स क्या है, जिसको देख सकते, एग्जाम्पल दीजिए, जैसे बुक, सही है, और ठीक है, नया एग्जाम्पल दिया ना, ये क्रिएटिविटी है, ऐसा होना चाहिए, जो सिखाए वैसा नहीं, जो लिखा वही रट के सुनाएंगे, फील करके बोले ना, बुक, बुक हमारा एसेट्स है। दूसरा बताइए, और सही एग्जाम्पल है, फर्नीचर, एकदम सही, देख सकते हैं। चलिए, इनटैंजिबल एसेट का एग्जाम्पल दीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत कम है, समझ में आ रहा है, इसमें नया रिसर्च करने में आपको टाइम लग जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। दूसरा बोल सकते थे गुडविल, ब्रांड वैल्यू, ये सब सब क्या है, सब इनटैंजिबल है, गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, सब क्या है, इनटैंजिबल है। खाली इतना देखिए, क्या आप आपसे कोई देखिए, एक्चुअली यहाँ पे क्या, 3 इडियट्स आप मूवी देखिएगा, 3 इडियट्स में आमिर खान क्या सिखाया है। अभी बहुत सारे पढ़ाकू स्टूडेंट होते हैं, वो लोग बोलेंगे संपत्ति क्या है, तो उनको चाहिए क्या, जो संपत्ति जो यहाँ लिखा हुआ ना वो बताइए, रट करके ये चीज बताइए, संपत्ति क्या होता है। लोग ये उम्मीद करते हैं संपत्ति से आशय उद्यम को आर्थिक स्रोत, ऐसे करके आप कुछ नहीं, मतलब ऐसा कोई भी चीज जो बिजनेस में यूज होता है, जिसको बेनिफिट देता है, इसका मनी के टर्म्स में हम लोग वैल्यू कर सकते हैं, एसेट्स है, सिंपल आंसर हमारा, हम समझ रहे हो चीजों को, ऐसा नहीं कि मुगल लाइन याद नहीं है तो ऐसा करके। वो 3 इडियट्स में दो करेक्टर देखे हैं मूवी, एक चतुर है, एक आमिर खान है, तो चतुर रहेगा तो उसको याद करेगा, और आमिर खान क्या करता है, समझता है। तो अभी आप एसेट्स क्या है, एसेट्स कितने तरह का होता है, टैंजिबल एसेट्स क्या है, इनटैंजिबल एसेट्स क्या है, समझे या नहीं समझे, सही बोलिए, दिल से समझे। आपको लग रहा है सर हम लिख नहीं पाएंगे, ऐसा लग रहा होगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप को जब लिखना शुरू कीजिएगा ना, वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी आप समझ रहे हैं बहुत, यही पढ़ाई है, लेकिन यहाँ का लोग क्या करता है, ऐसे करके आंख बंद करके रट लिया, नहीं समझ में आ रहा संपत्ति वो है, वो है, लिया रट लिया, कुछ समझ नहीं रहा संपत्ति क्या है, वो एग्जाम्पल कभी बुक का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, वो जो लिखा हुआ एग्जाम्पल देगा, तो वो पढ़ाई अच्छा कि ये पढ़ाई अच्छा, हाँ बस बिल्कुल, लिखने का जो कलाम आपको सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है वो भी सिखाएंगे। अभी आप समझ रहे हैं, कोई आज पूछेगा क्या सीख करके आए, तो एसेट सीख के आए, एसेट्स में क्या सीखे तो बता दीजिएगा, एसेट्स क्या होता है, लैंग्वेज में नहीं बोलना है, बस जैसे बताएं वैसे से बोलना है, कुछ भी बोलना है। एसेट्स का मतलब जिसको, मतलब पैसा में व्यक्त कर सकते हैं, पैसा का वैल्यू होता है, बिजनेस में यूज होता है,
फिर बोलेगा इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है जिसको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, करंट एसेट्स क्या होता है जिसको कम समय के लिए यूज करते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट क्या है जिसको छू नहीं सकते, एग्जाम्पल बोल दिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो सामने वाला समझ जाएगा इसको पूरा पता है, वो लिखने का कलाम सिखाएंगे आपको। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बच गया, कल बताएंगे, ठीक है।